नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। बड़ी खबर इस वक्त की कन्नौज से आ रही है। यहाँ बच्ची दर्द से तड़पती रही, सोती रही संवेदनहीन सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं। दर्द से तड़पती बच्ची हारी जिंदगी की जंग। जिला अस्पताल में भर्ती 8 साल की बच्ची की तड़प तड़प कर हुई मौत। डॉक्टरों को ढूंढने के लिए पागलों की तरह दौड़ता रहा पिता। बच्ची की मौत के लिए लापरवाह डॉक्टरों को बताया जिम्मेदार। सुबह 4 बजे मासूम बच्ची की हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस तो बिना कार्यवाही के ले गया मासूम का शव। हरदोई के विनोद ने रविवार दोपहर बेटी को कराया था भर्ती। विनोद कुमार, क्या वो घटना? घटना का हमारी बिटिया का मालूम कोई देखा सुनी ना भाई। डॉक्टर लोग सब तेरे अंदर पड़े पड़े भैया, हमें कोई ना जगह जगह आयरन कोई जगह ना है भैया। कब से भर्ती थी बिटिया? बिटिया हमारे 3 बजे भर्ती हुई है। कब? आज रात में, सुबह दिन में। अच्छा, तो यहाँ डॉक्टर थे क्या? डॉक्टर थे, फिर नीचे लाए। यहाँ जब ये आए तब इन्होंने कही भैया 3-4 दफे एक बार उठे धीमे धीमे से बस आला लगा आला लगा फिर सो गए। ये लोग नहीं कहीं खाने पट्टी चढ़ाओ जाके बिटिया के ऊपर देखने सुनने लगने आए, कभी रोल भी नहीं करने आए। तो कहना क्या है तुम्हारा, साफ तौर से क्या कहना है? हमारा कहना यही है, न्याय होना चाहिए। डॉक्टर लोग को गरीब आदमी आता है, कोई पैसे वाला नहीं आता है बाबू जी। हमारी बिटिया मार डाल रही डॉक्टर लोगों ने, हम सब साफ कर रहे हैं। डॉक्टर नहीं होते कहा देखा मैं बिटिया हमारी बताऊँ मैं बिटिया की कोई मालूम होती हाँ जवाब दे देते अपने गरीब बंदे कुछ खेत में जिला जिला कुछ गंदा धंधा हमारी बिटिया करते। यहाँ डॉक्टर कैसे कहाँ पर थे जब? जब आए नीचे डॉक्टर थे, उन्होंने ऊपर करिया फिर उसके बाद में लोग आए। बिटिया क्या नाम है? बिटिया रुचि नाम है। कितनी उम्र है? 8 साल। कहाँ रहने वाली है? राघवपुर कस्बा। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा विनोद कुमार भैया। पिता क्या नाम है? छोटे लाल। पूरे मामले पर और जानकारी देने के लिए कन्नौज से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी सुबू जी, 8 साल की बच्ची की मौत कैसे हुई? जी आपको बता दें ये कन्नौज के जिला अस्पताल का मामला है। लगातार जिला अस्पताल में लापरवाही सामने आती है, कहीं ना कहीं डॉक्टर दो डॉक्टर के नाम भरोसे ही जिला अस्पताल चल रहा है। जो डॉक्टर है वो आते नहीं, ड्यूटी पर आते हैं 2 घंटे अपने बैठे घर के लिए रवाना हो जाते हैं। और जब इसको लेकर सीएम शक्ति बसु से बात करो तो वो पल्ला झाड़ता नजर आते हैं, वो सिदाई का अपना फायदा दिखाते हैं। वहाँ पर कोई डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं वो कई दिन से। और वहाँ के जो इमरजेंसी में फार्माकिस्ट डॉक्टर एक बैठते सूत्रों जो खबर आती है वो नशे का सेवन करते हैं, कई मरीज ऐसे जाते हैं जो उन्हें गाली गलौज भी करते हैं, भगाने का प्रयास करते हैं। और ज्यादा कहो तो कहते हैं हमारे भैया विधायक हैं मौसी लड़के तो उनसे हम प्रेशर बनवाएंगे, अगर चाहो हमारा ट्रांसफर करा के दिखाओ, सत्ता का दबाव दिखाते हैं। जी सिबू जी, बच्चे के पिता अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई सामने आई है? पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की है? पिता का रो रो के बुरा हाल है, वहाँ पर जिला अस्पताल में पहुंचे थे बुरा हाल है। और वहाँ पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, उसको लोगों ने सब बहभीत कर दिया है जिला अस्पताल में। अगर मैं तुमने पोस्टमार्टम कराओगे ये कार्रवाई तुम्हारे ऊपर हो जाएगी, कोर्ट में तुम्हें डॉक्टर लोग तलब कर लेंगे, इस चीजें को उन्होंने कहा। तो पुलिस को फिर उन्होंने पीड़ित ने जो था उसने कहा हम सब कार्रवाई नहीं करना चाहते, हमारी बिटिया की ये हो जाएगी चेहरा। वो डर गया कहीं ना कहीं, डॉक्टरों ने बहभीत कर दिया उसको। ये जिला अस्पताल में लगातार सामने आते मामले, ये जिला अस्पताल सुर्खियों में है। और एसी लग गई, डॉक्टर अभी उसमें आराम करते एसी में, कोई उसकी सुनने वाला नहीं, तो कई घंटे भटकता रहा और डॉक्टर आराम से सोते रहे वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सिबू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।